और लोकसभा चुनाव है 2024 19 तारीख को लोकसभा की वोटिंग होने वाली, किस तरह देख रहे हैं? नाम मेरा सतनाम सिंह है भाई। लोकसभा की क्या देख रहे हैं? लोकसभा में जो ये कांग्रेस और बीजेपी है, ये तो देख रखी है कई साल से, देख रहा है इन्हें तो 50 साल कांग्रेस देख ली, अब 10-15 साल से ये बीजेपी देख रहा, ये तो सब चोरा माल खावा डकार का सारा माल महाना। ये वोट लेने का टाइम पे तो आ जाऊंगा, आगे पीछे कोई मारू भी ना ले रो भाई, हमारी यहाँ लोकल क्या करें, अब तो कोई नई पार्टी देखेंगे भाई। तो नई पार्टी तो यहाँ तो तीन ही पार्टी का मेन कैंडिडेट है, बीएसपी है, भाजपा है और कांग्रेस है भाई। तीनों है तो फिर कांग्रेस और बीजेपी को तो ना दे हम, या फिर निर्दलीय बसपा को देंगे फिर? निर्दलीय को जाओ। हाँ ना निर्दलीय ना है कोई भी, हम तो बसपा को देंगे, मायावती को देंगे हम तो। उन्होंने भी जो है पार्टी छोड़कर, अगर दल बदलू आएगो ना तो हम बिल्कुल भी ना दे सा, पहले तय करेंगे कि भाई अगर दल ना बदला बीएसपी में ही रहवा हाथ तो वोट देंगे हम, अगर दल बदलेगा तो बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे हम। क्या पार्टी देखकर वोट देंगे या अपने विकास को देखकर? भाई अब तो हम पार्टी देख के वोट दे रहा हूँ भाई, कांग्रेस देख ली बीजेपी देख ली कुछ करवा ही ना आवे, बता क्या करवाओ, हमारे यहाँ घूमा था खूब देख ले विकास कितना हो रहा है, कुछ भी ना हो रहा। अब कोई नया आदमी आएगा और अपनो आदमी आएगा, अब बेचारो ये चौधरी फजल हुसैन 20 साल से यहाँ तपस्या कर रहे हैं, हम तो इसको वोट देंगे आपके। तो विकास की उम्मीद लगा के बैठे? हाँ जब भी विकास हो सके, जब चौधरी फजल हुसैन जीते यहाँ से, क्योंकि यो यहाँ लोकल आवे जावे, इसको सब सारी सम्यवाद की जितनी भी समस्याएं सब का पता है इसको कि क्या क्या समस्याएं। अब वो जो यहाँ से जीत के जाऊँ वहाँ सांसद, कोई बहरोड का है, कोई रोहतक का है, कोई जयपुर का है, वो वहाँ जाके बैठ जाऊँ सांसद, कभी आयो ना हमारे पहलो आयो ना ये आयो, वोट हम उसको देंगे जो हमारे यहाँ का लोकल है, बाहर वाले को नहीं देंगे बिल्कुल भी। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या भाई पानी की समस्या हुई पड़ी है यहाँ गांवन में, इतना पानी भरा ना, लाइट की लाइट भी 24 घंटा की बात करा, बिल इतना लंबा लंबा दे दे वहाँ, लाइट ना हारी 14 घंटा भी, इस बार गेहूँ सारा हवा निकल गई गेहूं में, लाइट ना दी पूरी। तो जो विधायक हैं जो बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं, मैं चुनाव जीत गया तो मैं ये कराऊंगा मैं वो कराऊंगा, अरे ये विधायक अपना घर बनाने के मारे बना भाई, गरीबन की कोई ना सोचे, किसी गरीब की कोई नहीं सोचता भाई। मेरा नाम भाई साहुन खान। साहुन जी किस तरह देख रहे हैं भाई इस चुनाव को? बढ़िया है, आज चोर साहब की सभा भी हुई है, आपको मालूम है, आप देख रहे हो दिन ब दिन रुझान बढ़ रहा है, और ईद के बाद तो चोर साहब दल बादल छा जाएगा, पब्लिक अभी रुकी हुई है, कुछ लावणी में लग रही है, कुछ भाई अपने रोजान सुबह डटी पड़ी है, रोजा निगरते ही पब्लिक तरफ माहौल रहेगा चौधरी फजल हुसैन ही। नहीं जैसा कि देखने को मिल रहा है मेव समाज ही चौधरी साहब के साथ नहीं लग रहा है, इसको लेकर क्या? भाई मेव समाज अभी रोजा रख रहे हैं, कोई लावणी में लग रहा है, मेव समाज साथ लगेगा ईद के बाद, देख लीजिए मेव समाज सारा को आप, पूरा समाज रहेगा साथ, और 3600 बिरादरी के समर्थन है, ऐसी अपने हमारे सतनाम भाई है, आपने अभी इसका भी इंटरव्यू लिया है, पूरा समाज एक तरफा चौधरी फजल हुसैन को वोट देगा। भैया आपका क्या नाम? आपका क्या नाम? मेरा नाम हाकम भाई। बढ़िया रुझान चल रहा है, चौधरी साहब इंशाल्लाह जीतेगा, मतलब थोड़ी सी अब कोई पब्लिक देखेगा, पब्लिक ना है नू है यू है, मतलब ऐसे अब काम साथ को टाइम है, जमींदारा को भी बहलावण भी हाँ रोजा भी हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं, ईद बाद देख लीजो एक तरफा आप पता लग जाएगी, बस यही कहना मेरा। शकील भाई कितनी बार वोट डाल चुके हैं? भाई 6 बार डाल चुका हूँ। 6 बार का एक्सपीरियंस है आपको लोकसभा के चुनाव में, भाई मुद्दा एक है हमारा, जब वो 3.5 लाख में 2 कैंडिडेट लड़ सकते हैं, हमारे पास तो 11 लाख वोट है, कैंडिडेट एक है, तो पहला मुद्दा तो यही है हम क्यों किसी दूसरे पे जाएं, अब हमारे पास अपना है तो। दूसरा हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है, कंपनियों में लाइन लगानी पड़ती है, वापसी आना पड़ता है, लोकल के नाम पे धग्गा लगा रखा है, हमारी ज़मीन है हमारी कंपनी है, लेकिन फिर भी हमको नौकरी नहीं दी जाती है, पढ़ाई की व्यवस्था भी कम है यहाँ पे, ऐसी काफ़ी समस्याएं हैं जिससे हमको जूझना पड़ रहा है। मौजूदा जो सांसद रह चुके क्या उन्होंने समस्या का हल किया? उसको देखा ही नहीं है हमने आज तक देखा ही नहीं है देखा ही नहीं है
पास से अभी तक देखा ही नहीं है। तो अभी भी आप लोगों ने विधायक उन्हीं को बनाया, पहले सांसद थे, अब विधायक है, बड़ा है जी पब्लिक ने, अब क्या करे, अब ऐसी समाज ने उसको साथ दिया है उसका, क्योंकि मायावती का कैंडिडेट नहीं था, इस बार कैंडिडेट है हमारे पास, तो ऐसी समाज हमारे साथ आएगा, तो इंशाल्लाह जीत निश्चित होगी हमारी। तो अन्य दो पार्टियां और है, टोटल जो कैंडिडेट है 9 कैंडिडेट खड़े हैं जी, जिनमें निर्दलीय भी हैं, जो मेन पार्टियां हैं कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी जी, जिनमें से दिग्गज नेता भी, कैबिनेट मंत्री भी है भूपेंद्र यादव जी, वो भी मैदान में उतरे हुए, तो क्या कहेंगे? तो सर वो तो बाहर ही है, यहाँ पे बाहर से उतारा गया कैंडिडेट है वो तो, और ललित यादव है वो खुद ही अपनी समाज के आदि बूठे में हिस्सा है उसका, उसकी खुद की बंटवारा हो रहा है उसका, तो इस वजह से हमारी जो वोट है हम अपनी वोट को खराब नहीं करना चाहते। पिछली बार भी हमने दी थी वोट बाबा जी को, जिताया उसको, लेकिन आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी हमने, तो इन सब मुद्दों को देखते हुए हमने अब ठाना है वोट को खराब नहीं करना है। हमारी 10-11 लाख वोट बैठ रही हैं, तो हमको एक तरह की गिरनी है।